आमिर खान इन दिनों लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग में लगे हुए हैं। एक दिन पहले ही उनका दिल्ली शेड्यूल कंप्लीट हुआ, लेकिन इस बीच खबर सामने आई है कि इसी दौरान आमिर खान को पसली में चोट लगी है, जिसकी वजह से वो बेहद तकलीफ में है। लेकिन वर्क कमिटमेंट के चलते आमिर खान ने पेन किलर्स खाकर अपनी शूटिंग पूरी की है। जी हाँ दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के दौरान आमिर खान की पसली में चोट लगी है, जिसकी वजह से वो काफी पेन में है, लेकिन तब भी उन्होंने इस चोट की परवाह ना करते हुए अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग को पूरा कर लिया है। शूटिंग सेट से जुड़े सूत्रों की माने तो आमिर खान को ये चोट एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान लगी। हालांकि इस वजह से फिल्म की शूटिंग नहीं रोकी गई, आमिर खान ने खुद ही हालत देखी और कुछ ही टाइम में दवाइयों की मदद से शूटिंग फिर से शुरू कर दी। आमिर खान अपनी तरफ से फिल्म में अब और देरी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो बिना रुके शूट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान अपने काम में किसी भी तरह की कोताही बरतने को तैयार नहीं है। लाल सिंह चड्ढा की टीम शूटिंग के लिए कोरोना वायरस से बचने की सभी जरूरी सावधानियों का पालन कर रही है। आमिर खान को जब चोट लगी, जब वो फिल्म की कहानी के मुताबिक फ्लैशबैक में एक रनिंग सीक्वेंस शूट करते हुए लगातार दौड़ रहे थे। आमिर खान की ये फिल्म टॉम हैंक्स की फिल्म फॉरेस्ट गम की हिंदी रीमेक है। पिछले दिनों करीना कपूर ने अपने हिस्से की शूटिंग कंप्लीट करके सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी। जी हाँ दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के दौरान आमिर खान को उनकी पसली में चोट लगी है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पेन किलर्स लेके फिल्म की शूटिंग को पूरा कर लिया है।